मॉर्निंग चर्च, भजन संहिता 63, साम 63, दाऊद इस प्रकार से लिखता है, परमेश्वर तू मेरा ईश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, सूखी और निर्जल उसार भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी। कभी आपको मन में ऐसा हुआ कि आपका मन बहुत प्यासा है और शरीर अति अभिलाषी है परमेश्वर के लिए, संसार के लिए नहीं। वर्स नंबर 2, इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में मैं तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ्य और महिमा को देखूं। और फिर लास्ट में वर्स नंबर 11 में, परंतु राजा परमेश्वर के कारण आनंदित होगा, जो कोई परमेश्वर की शपथ खाएगा वो बड़ाई करने पाएगा, परंतु झूठ बोलने वालों का मुंह बंद किया जाएगा। भजन संहिता 63 एक अद्भुत समय में लिखा गया था। दाऊद का पुत्र एब्सलम ने उसे धोखा दिया था और धोखे से पूरा राज्य अपने पर ले रहा था और अपने पिता को मारना चाह रहा था, उसकी हत्या करना चाह रहा था। सेना दाऊद के विरुद्ध हो गई, कई सारे लोग, दाऊद के खास लोग उसके विरुद्ध हो गए और कुछ दोस्तों के संग, कुछ योद्धाओं के संग, शूरवीर योद्धाओं के संग दाऊद महल छोड़ के भाग जाता, उसकी पत्नियां, उसके बच्चे, सब कुछ छोड़ के भाग जाता। और लोग, इतिहास लिखने वाले कहते हैं कि इस समय में दाऊद के पैर में शायद सिर्फ 2 जूतियां हैं, एक दिन वो राजा है, दूसरे दिन वो अपनी जान के लिए भाग रहा है। और उस समय में ये भजन को लिखा गया था। और यहाँ पर दाऊद कहता है, परमेश्वर मैं तुझे खोज करूँगा, मेरा मन तेरे लिए प्यासा है, मेरी शरीर तेरी अभिलाषा करता है। इस पूरे भजन में कहीं पर भी एक भी ऐसी प्रार्थना नहीं है, परमेश्वर मुझे छुटकारा दे, परमेश्वर मेरा महल मुझे वापस दे, परमेश्वर मेरे दुश्मनों को खत्म कर, परमेश्वर ये मेरे संग क्या हुआ, परमेश्वर तूने मेरे संग क्यों किया, ये सब एक भी प्रार्थना नहीं है इसमें। एक ही चीज दाऊद बार बार कह रहा है, मुझे तू चाहिए परमेश्वर, मुझे परमेश्वर आप चाहिए बस, और अगर आप मुझे मिल गए तो मैं संतुष्ट हूँ। और यही हमारे डिवोशन का शीर्षक है, सिर्फ परमेश्वर संतुष्टि दे सकता है, सिर्फ परमेश्वर संतुष्टि दे सकता है। जब कलीसिया की शुरुआत हुई थी, शुरुआती कलीसिया में इस भजन को ऐसे बनाया गया था, हर रोज इसको पढ़ना और गाना, इसके बगैर सभा शुरू नहीं हो, ये रिवाज था। श्याम 63 भजन संहिता 63 रोज गाना है, रोज मिलना है, रोज इसको पढ़ना है, और सभा के दिन तो बगैर इसे पढ़े सभा शुरू भी नहीं हो, क्योंकि इसके अंदर है क्या, मन की भावना है, परमेश्वर मुझे तेरी प्यास है, परमेश्वर मेरा शरीर तेरी अभिलाषा करता। और सेकेंड, जब मैं तेरे पवित्र स्थान में आया, कलीसिया की बात होगी, जब मैं तेरे पवित्र स्थान में आया, दाऊद उस समय मिलाप के तंबू की शायद बात कर रहा है, आज हम कलीसिया की बात कर रहे हैं। जब मैं तेरे पवित्र स्थान में आया तब मैंने जाना, मेरी आंखों ने देखा, क्या देखा है, जो बातें मेरे मन में समझ नहीं आती, ये क्यों हुआ मेरे जीवन में, ये इस प्रकार से घटना क्यों घट रही है, ये चीजें क्यों हो रही है, ये क्या हो रहा है। और मैं सोच रहा था कि दाऊद की जीवन में जो भूख है वो हमारे जीवन में भूख है, कि हम भी उस यीशु मसीह परमेश्वर के भूखे हैं, कि हाँ हमारे जीवन में उतार चढ़ाव है, घटनाएं घट रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हम परमेश्वर से क्या कह रहे हैं, मुझे तेरी प्यास है, मुझे आप चाहिए परमेश्वर, मुझे परमेश्वर और कोई चीज़ संतुष्ट नहीं कर सकती। सुलेमान ने सब उपदेशक की किताब में लिखा, सब कुछ व्यर्थ है, पैसा व्यर्थ है, धन व्यर्थ है, राजमहल व्यर्थ है, इतनी सारी पत्नियाँ व्यर्थ है, घूमना फिरना मजे करना, नई चीजें लेना, नए खाने खाना, ये वो सब व्यर्थ, सब व्यर्थ है। और अंत में लिखता है कि एक चीज अगर कुछ है तो ये, परमेश्वर की खोज करो, जो उसने कहा है उसे करो। ये संसार का सबसे बुद्धिमान आदमी बोल रहा है, और हम भी ये कह रहे हैं कि हाँ परमेश्वर, हाँ परमेश्वर मुझे तेरी खोज है। मैं सोच रहा था कि कभी कभी अगर मैं दाऊद की जगह होता और मेरा महल छूट गया होता तो मैं क्या करता, मैं ये कहता कि क्यों हुआ ये मेरे साथ, हम बोल सकते हैं ये हमारे संग क्यों हुआ, मैंने गलत क्या किया, आपने मुझे चुना राजा बनने के लिए, मैं थोड़ी चुना था,
ये सब आपका दिया गया है, लेकिन तो फिर इस तरह सीख तो वो परमेश्वर कह रहे इसीलिए थे, इसीलिए थे मेरी खोज, पवित्र स्थान में मैं तुझे देखूंगा। जब हम कली से आते हैं तो हम इस उम्मीद से आते हैं कि हम परमेश्वर से मिलेंगे, लोगों से भी मिलते हैं, लेकिन गीतों में, संदेश में, प्रार्थनाओं में परमेश्वर हमारे हमसे बात करता है, हम उससे मिलते हैं। और लास्ट में कहता है कि जितने भी झूठ बोलने वाले उनका मुंह बंद हो जाएगा। कई सारे लोगों ने दाऊद के बारे में झूठ बोला और वो बचे नहीं, एब्सलम मर गया, दूसरे मर गए, लेकिन दाऊद वापस सिंहासन पर आया। कई बार हम पाप में गिरते हैं और हम अंगीकार करते हैं परमेश्वर हमें वापस उस स्थान पर ले आता है ताकि उसकी संगति कर सकें। ये हमारे जीवन के लिए जरूरी है। अगर संसार की चीजें हमें संतुष्ट कर दें तो परमेश्वर में हम संतुष्टि नहीं पाएंगे, और संसार के अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं जो हमें संतुष्टि दे सकती। संडे के मैसेज में मैंने उदाहरण दिया, एक साइकिल का टायर लिया और साइकिल के टायर पर से रखा और बोला कि साइकिल के टायर में स्पोक होती है। अगर परमेश्वर वो तार है ना, और पहिए का चक्का जब मेन है वो मैं हूं, तो जिंदगी में तकलीफ, मैं नहीं बन सकता हूं। परमेश्वर मेन है और उसके ऊपर हमारा जीवन है, हमारा जीवन, मेरा परिवार, मेरी नौकरी, मेरा काम, तो साइकिल ठीक से चलेगी। लेकिन अगर मैं उसके बीच में चला जाऊं और उसको प्रॉब्लम है, बिना परमेश्वर के हम जीवन में संतुष्टि नहीं पा सकते। तो सवाल उठता है कि कैसे पाए, कैसे पाए? खोज करो वचनों में, प्रार्थनाओं में, और मन से यीशु मसीह से हम कह सकते हैं मेरे जीवन में जो कुछ भी होगा परमेश्वर, जब तक मैं आपसे बात नहीं करूंगा, जब तक मैं आपकी खोज नहीं करूंगा, आपके वचनों से सुनूंगा नहीं, समझूंगा नहीं, मैं आगे कदम नहीं लूंगा, मैं आगे कदम नहीं लूंगा। और जब हम ये करेंगे, भले ही हमारा मन कितना भी प्यासा हो, संतुष्टि जरूर मिलेगी। सारा संसार संतुष्टि के पीछे पड़ा हुआ, लेकिन संसार उनको संतुष्टि नहीं दे सकता। नए आईफोन, नए कपड़े, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये सब नहीं लेना, सब कुछ करो, लेकिन उसको अपनी संतुष्टि नहीं पा सकते। हमारी संतुष्टि परमेश्वर यीशु मसीह और उसके अलावा कोई भी नहीं। और जब तक हम परमेश्वर उसके खोज में लगे रहेंगे, हमारी प्यास रहेगी उसके लिए, वो हमें संतुष्टि देगा। संसार की बातें प्यास बढ़ाएंगी, यीशु मसीह उस प्यास को बुझाएगा, पूरा करेगा, बुझाएगा नहीं बोलूँगा, पूरा करेगा, और हम उसके और भी प्यास हो, और हमारे जीवन में संतुष्टि, संतुलन परमेश्वर यीशु मसीह लेके आएगा। इस हफ्ते में कई सारे लोग आउटरीच पे गए और मैं देख रहा था फोटोग्राफ्स में कि कैसे किस प्रकार से कुछ बाबा थे उन्होंने स्वीकारा और कुछ लोगों ने प्रार्थना की। तो मैं सोच रहा था कि इतने सारे लोगों के मन में ख्वाहिशें, हजारों के हिसाब से भीड़ आ रही है वहाँ पर, क्यों? उनके मन संतुष्ट नहीं है, वो जानते हैं कुछ ना कुछ कमी है, और एक मूर्ति या किसी व्यक्ति के पास जा रहे हैं उस संतुष्टि को पूरा करने। और रास्ते में कलीसिया के लोग हैं खड़े और यीशु मसीह उनसे मिल रहा और कह रहा है मैं तुम्हें संतुष्टि दूंगा। आज और कल भी शायद टीम जाएंगे, अगर आपके पास समय है तो ज़रूर जाइएगा और यीशु मसीह के वचन को बांट कर लोगों को बता सकते हैं सिर्फ परमेश्वर यीशु मसीह में ही संतुष्ट। धन्यवाद। और आपका आने वाला सप्ताह में अपने मन में ये विचार ठान लो, कुछ भी हो मैं पहले परमेश्वर के पास जाऊंगा, उसके वचन के पास जाऊंगा, और फिर मैं निर्णय लूंगा, क्योंकि सिर्फ परमेश्वर मुझे संतुष्टि दे सकता है।